सो हेलो एवरीवन, अस्तित्व गुप्ता फ्रॉम दिस साइड। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे ऐसे वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि एक्चुअली मैं सेट पे नहीं हूँ, और सच में तो इस वक्त स्टूडियो में थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर हम रिसीविंग मोड में कैसे जाएँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो रिसीविंग मोड में नहीं जा पा रहे कि जिससे हम ये एनर्जी एमिट कर सके कि हम रिसीविंग मोड में, ऐसा एनर्जी यूनिवर्स में कैसे एमिट करें। तो एक चीज़, एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा स्विच वर्ड है जिसको अगर आप बार बार बोलेंगे, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मैटर नहीं करते, लेकिन इसको आप बार बार बोलेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड 100 into हो जाएगी, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। मैंने अपनी हर वीडियो में हमेशा बताया है कि यूनिवर्स यानी कि कुदरत, नेचर, ब्रह्मांड वही देता है जो आप सोचते हैं, या जिस भी चीज़ पर आप फोकस करते हैं, जैसा आप फील करते हैं वैसे ही आपको देता है। आप खुश सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे या बुरे थॉट्स रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको बुरा ही मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ाओ। शिवलिंग पर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, गन्ने का जूस एंड दही, दूध, घी, मेवा, सारी अबीर, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी आँखों से खुद देखा है। दही, दूध वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ता है, और वो सब जब अर्पित करते हैं शिवलिंग पे तब उससे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं लाइफ में, बहुत सारी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा क्यों होता है कभी आपने सोचने का प्रयास किया है? जब आप शिवलिंग में बैठ के सामने पूजा कर रहे होते हैं तब आपका ध्यान रियली मतलब यूनिवर्स से जुड़ा होता है, और यूनिवर्स में जब आपका ध्यान जुड़ा होता है और आप सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, दूध भी अर्पित कर रहे हैं, दही, घी, मक्खन, हर एक चीज़ जब अर्पित कर रहे होते हैं ना, तब आप गिविंग एनर्जी में होते हैं, तब आप ऐसा यूनिवर्स को प्रिटेंड कर रहे होते हैं, ऐसा कुदरत को प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास एबंडेंस है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ऐसा प्रिटेंड करते हैं आपके अंदर फीलिंग आती है एबंडेंस वाली, और जैसे ही आपके अंदर फीलिंग एबंडेंस वाली आती है ना, एबंडेंस आप अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। रियल इसके पीछे का लॉजिक ये है, यूनिवर्स को आप ये बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एबंडेंट इंसान हूँ, और जैसा आप बताएंगे ना वैसे ही आप अट्रैक्ट करेंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत भी कहता है। हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक स्विच वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक स्विच वर्ड, वो है आई एम रेडी टू रिसीव। जैसे आप एफर्मेशन बोलते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब आप एफर्मेशन बोलते हो तो उसके एफर्मेशन की तरह ही बोलना है, आई एम रेडी टू रिसीव। बोलना किससे? यूनिवर्स से बोलना है, परमात्मा से बोलना है, गॉड से बोलना है कि आई एम रेडी टू रिसीव। टर्म को समझो, आई एम रेडी टू रिसीव, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। क्या रिसीव करने के लिए तैयार हूँ? जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब आप यूनिवर्स से ये बोलोगे ना तब वो एनर्जी आप एमिट कर रहे हो। यकीन मानिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप इसको करेंगे ना बहुत खतरनाक रिजल्ट्स और बहुत फास्टेस्ट रिजल्ट्स रहे हैं इसके, हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के। ट्राई करिए इसको, बताइए कमेंट्स में रिजल्ट्स मिलते हैं या स्पीड से मिलते हैं या देर मिलते हैं। वेल, अगर आपको ऐसा लगा है कि मैंने इन 2-3 मिनटों में कुछ काम की चीज़ बताई है, आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलता हूँ, इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।